still got one. तो हाइगेन थ्योरी कदम किए थे, ये इंटरफेरेंस के जस्ट बेसिक में थे। मैंने इतना कहा था कि अगर लाइट का इंटरफेरेंस देखें तो इसका मतलब है कि टू लाइट वेव्स आर गोइंग टू इंटरमिक्स्ड। अगर मैंने कहा था कि एक लाइट की इंटेंसिटी आई वन है, दूसरे की इंटेंसिटी आई टू है एंड द फेज बिटवीन देम इज फाई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी द आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन एंड टू कॉस फाई, टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई। इसमें मैंने कहा कि अगर फेज जीरो डिग्री है तो इस केस में लाइट्स कुछ ऐसे मिक्स करेंगी, तो सिर्फ जीरो डिग्री ही नहीं, फेज में जीरो डिग्री, टू पाई, फोर पाई, डैश डैश डैश, टू एन पाई, या वेवलेंथ के टर्म में लिखें तो पाई लैम्डा बाई टू से रिप्लेस होता है, तो जीरो, टू लैम्डा बाई टू, फोर लैम्डा बाई टू, टू एन लैम्डा बाई टू। कहते हैं वेव्स ऑफ फेज डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और वेव्स ऑफ पाथ डिफरेंस हैविंग द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू गेट सुपर इम्पोजिशन, तो इनकी इंटेंसिटी मैक्स होगी। अगर मैक्स की बात करें तो आई मैक्स आपको मिलने वाला है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू। इसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर हमने आपको बताया था कि अगर यही फेज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, दैट इज वन पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, डैश डैश डैश, टू एन माइनस वन पाई, या पाई को लैम्डा बाई टू से हटाइए तो वन लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू एंड दिस इज 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस है, अभी डायग्राम में क्लियर करेंगे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, और या इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इस केस में जब आप डायग्रामेटिकली वेव्स को बनाएंगे तो ये अपोजिट फेज में ऐसे आएंगी, तो इस केस में जब आप इंटेंसिटी लेने जाएंगे तो कॉस 180 माइनस वन होता है, यही इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी एंड दिस विल बी द आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन आई टू। बहुत से न्यूमेरिकल इसी फार्मूला से लगेंगे। अब आइए इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब जब हम लाइट सोर्सेस को स्विच ऑन करते हैं तो इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो आपको ये मिलेगी, मिनिमम है तो वो मिलेगी, लेकिन हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी का मैक्सिमम या मिनिमम होना नहीं दिखता है, हमें इक्वल इल्यूमिनेंस ऑल अराउंड मिलता है। इसके लिए हमने कहा था कि लेट अस से दैट बोथ द लाइट आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। अगर ऐसा करें तो शायद इंटेंसिटी में जो मैक्स और मिन है उसमें हो सकता है डिफरेंस इतना कम हो कि हम विद द नेक्ड आई सेंस ना कर पा रहे हो कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा है, किस पॉइंट पर इंटेंसिटी कम है। तो हमने कहा था लेट अस टेक अ केस व्हेन द इंटेंसिटीज आर इक्वल, से इंटेंसिटी ऑफ ईच लाइट सोर्स इज आई नॉट, तो आप वापस आ जाइए इस मेन वाले में। अगर मेन वाले में आ जाए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड प्लस टू रूट आई वन आई टू हो जाएगा आई नॉट कॉस फाई। इसको सॉल्व करने पर आया था फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई टू, ये था रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स व्हेन दे आर एट सेम इंटेंसिटी। अब इसमें अगर आप कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो आपको मैक्स इंटेंसिटी 4i नॉट मिलेगी, अरे फाई को जीरो रख लीजिए, आई मैक्स आपको मिलेगा 4i नॉट, और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो आपको इंटेंसिटी मिलेगा जीरो। अब तो साफ साफ आपको दिखना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टिव होगा वो 4 टाइम इंटेंस हो जाएगा और जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो डार्क हो जाएगा।
तो इसका मतलब है डेली लाइफ में लाइट्स का इंटरफेरेंस का न दिख पाना शायद इस वजह से है क्योंकि सुपर इम्पोजिंग लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है। तो जब उनका मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है तो मैक्सिमम या मिनिमम में इंटेंसिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है कि हम उन पॉइंट्स को आइसोलेट कर पाए विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अगर हम दो लाइट सोर्स आप सेम इंटेंसिटी ले लेते तो जहां कंस्ट्रक्टिव होता वहां इंटेंसिटी चरगुनी हो जाती और जहां डिस्ट्रक्टिव होता वहां इंटेंसिटी जीरो हो जाती। इस तरह से जैसे ही लाइट बल्ब हम स्विच ऑन करते स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर सुपर इम्पोजिंग लाइट की का फेज अलग अलग होता और अगर वो सेम फेज में होते तो इंटेंसिटी चार गुनी शो करते, अपोजिट फेज में होते तो इंटेंसिटी जीरो शो करते। इस तरीके से हम साफ साफ मैक्स इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी में अंतर देख पाते। लेकिन अगर हम सेम लाइट सेम इंटेंसिटी के दो लाइट सोर्स को स्विच ऑन करें तो भी हमें वो एवरेज इंटेंसिटी 2 I0 ही देखने को मिली। मतलब जैसे ही दो बल्ब को स्विच ऑन करते हैं आप सेम इंटेंसिटी हमें इंटेंसिटी 2 I0 की ही मिलती है। उसका रीजन ये है कि उसके रीजन क्या है यही डिस्कस करना है। उससे पहले अगर इसको ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करें तो ये लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या शो करेगा। मींस ऑब्टेनिंग इंटेंसिटी एट पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने स्क्रीन के इस पॉइंट पर हाथ रखा, उस CFL से ज्वाइन कर दिया और उस CFL से ज्वाइन कर दिया, इसका जो लेंथ है और उसका जो लेंथ है डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए कॉल्ड पाथ डिफरेंस। उस पाथ डिफरेंस को वेवलेंथ ऑफ द लाइट से डिवाइड करके रखिए तो वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा और वो लैम्डा अगर इसमें सेटल हुआ तो डिस्ट्रक्टिव में चले जाएंगे और वो लैम्डा इसमें सेटल हुआ तो कंस्ट्रक्टिव में आ जाएंगे और अगर कहीं बीच में है तो सम मिड इंटेंसिटी मिलेगी। हम खाली मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो जब हम लाइट सोर्स के लिए स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर हाथ रखते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑब्टेनिंग को इस पर देखते हैं एंड फेज ऑफ द पॉइंट जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों लाइट सोर्स से उस पॉइंट तक रे को बना के लाते हैं डिफरेंस निकालते हैं कॉल्ड पाथ डिफरेंस। उस पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालते हैं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या है, फेज में पाई आता है और पाथ में लैम्डा आता है। अगर आप पाई को लैम्डा बाई 2 से हटा दे तो वो रिजल्ट पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और लैम्डा को 2 पाई से हटा दे तो वो रिजल्ट फेज डिफरेंस में। मान लेते हैं मैं कहूँ लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है तो लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर देंगे यानी पाई का फेज, ये मतलब। अगर मैं कहूँ लैम्डा बाई 9 का पाथ डिफरेंस है तो लैम्डा की अगर 2 पाई रख दीजिए 2 पाई बाई 9 का फेज डिफरेंस है क्योंकि फार्मूले में तो पाथ आया नहीं, फार्मूले में तो फेज आया है तो लैम्डा देंगे तो लैम्डा को हमेशा 2 पाई से हटा दीजिएगा। अपनी जगह लैम्डा 2 पाई से हटाइएगा तो वो फाई में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ रख के आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लीजिएगा। अगर कह रहे हैं कि दोनों लाइट रेज की इंटेंसिटी इक्वल है तो उस केस में फेज की वैल्यू आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, इसमें रखनी पड़ेगी क्योंकि जब इक्वल इंटेंसिटी की लाइट रेज सुपर इम्पोज होती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 I0 cos² 5/2 होती है। हमने मैक्स निकाला तो बता रहा है 4 I0, मिन निकाला तो बता रहा है 0। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों, क्योंकि जहां मैक्सिमा है वहां चरगुना हो जा रहा है, जहां मिनिमा है वहां 0 हो जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसी को इंटरफेरेंस कह रहे हैं। अगर हम फेज लें डिफरेंट पॉइंट पर 0 डिग्री, 5 डिग्री, 2 पाई डिग्री, 4 पाई, 6 पाई, तो इवन और पूरा पाई आप ले लीजिए ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये वो पॉइंट्स हैं जहां बल्ब से दो लाइट बल्ब से इस पॉइंट को जोड़ने पर फेज डिफरेंस इज कमिंग पाई, इस पॉइंट पर 2 पाई, इस पॉइंट पर 3 पाई 4 पाई 0, इधर आएंगे तो माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। अगर हम हाईएस्ट इंटेंसिटी की बात करें तो 4 I0, लोवेस्ट इंटेंसिटी की बात करें तो 0। जहां जहां ऑड है इंटेंसिटी 0 लेनी है आपको, 1 पाई 3 पाई ऑड है, माइनस 1 पाई माइनस 3 पाई ऑड है, इवन 4 पाई इवन इंटेंसिटी इज मैक्स, 2 पाई इवन इंटेंसिटी इज मैक्स, 0 इंटेंसिटी इज मैक्स, 2 पाई इंटेंसिटी इज मैक्स, 3 पाई इंटेंसिटी 0, 4 पाई इंटेंसिटी मैक्स। और ये किसका ग्राफ है, आई और फाई, आई और फाई के बीच में कॉस स्क्वायर का ग्राफ है ये, यानी कि इंटेंसिटी वेरिएशन है दिस।
मींस जब हम दो लाइट बल्ब से स्क्रीन के इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो इंटेंसिटी चार गुनी होगी, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो यहाँ डार्क बनना चाहिए था, यहाँ ब्राइट, यहाँ डार्क, यहाँ ब्राइट। अगर हम एक मीन लाइन खींच लेते 2I0 पर जो इनको इंटरसेक्ट करता, दिस इज 2I0, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इंटरसेक्शन, जहां जहां 2I0 लाइन का इंटरसेक्शन है, दिस 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 एंड दिस, इंटेंसिटी 2I0 टू 4I0 टू 2I0 है, इसको ब्राइट कहते हैं। इंटेंसिटी 2I0 टू 0 टू 2I0 है, इसको डार्क कहते हैं। यानी कि जो इंटेंसिटी 0 वाली लाइन है उसके अगल बगल आपको डार्क, ये इंटेंसिटी 0 वाली लाइन है, ये डार्क, ये इंटेंसिटी 0 है डार्क, ये इंटेंसिटी 0 है डार्क, इंटेंसिटी मैक्स ब्राइट, इंटेंसिटी मैक्स ब्राइट, इंटेंसिटी मैक्स ब्राइट, इंटेंसिटी मैक्स ब्राइट, इंटेंसिटी मैक्स ब्राइट। अगर रियल में इन डिफरेंट पॉइंट्स पर लाइट बल्ब की लाइट्स पहुंच रही हैं तो हमें अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स देखने चाहिए। जो सेंट्रल है, ये इसका नाम जो स्क्रीन के सेंटर पे है, जो जीरो कन्फाइन कर रहा है, इसको नाम दिया गया सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। इसके दोनों तरफ डार्क हैं, नाम है फर्स्ट डार्क, ये है फर्स्ट डार्क, इधर ये है फर्स्ट डार्क, इधर ये है फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, इधर ये है फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क। मतलब जब लाइट इंटरमिक्स होती हैं तो स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर लाइट का जब डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बनते हैं। यानी इस रूम में जितनी भी ट्यूबलाइट हमने जला रखी हैं, इन सब से जो मिक्सडेड लाइट है उसमें डार्क और ब्राइट दो दो पॉइंट बनने चाहिए, पूरे रूम में अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट बैंड। जैसे अफ्रीका का चिट्टीदार गधा, उस पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं, वैसे पूरे रूम में लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें नहीं देखने को मिल रहा? इसको डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट थे यंग, थॉमस यंग। उन्होंने कहा कि देयर आर 5 प्रॉपर्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द इंटरफेरेंस पैटर्न विजिबल। 5 उन्होंने कंडीशन बताई कि वो 5 कंडीशन अगर पूरी कराएंगे तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। या ऐसे कह रहे कि ऑर्डिनरी लाइट और मेकिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न, बट वी आर इनकैपेबल टू मेजर देम। तो क्यों? इन्होंने सबसे पहला वर्ड रखा कोहेरेंस। कोहेरेंस में ये कहते थे कि जब दो लाइट बल्ब आप ऑन करते हैं तो उनकी लाइट्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ, हैविंग डिफरेंट फेज। आप ही सोचो कि जब ये दोनों मिक्स होंगी, देखिए अपोजिट फेज है, जीरो सेम फेज है, अप अप, मैक्स सेम फेज, अप अप, सेम फेज, अप अप, एक अप और एक डाउन। मतलब जब आप दो लाइट बल्ब ऑन करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इनके बीच फेज वैरी करता है। तो जब ये किसी पॉइंट से पास होंगी तो ये सेम फेज में पड़ी, ये पॉइंट जो है आपको इंटेंस दिखाई देगा, सेम फेज में पड़ी इंटेंस, ये देखिए अपोजिट डार्क, ये देखिए अपोजिट डार्क, ये देखिए अपोजिट डार्क, ये देखिए दोनों सेम फेज में है। मतलब एक पॉइंट पर जब दो लाइट वेव पहुंच रही हैं तो कभी मैक्स मेन, मतलब एक ही पॉइंट पर दो सुपरपोजिंग लाइट की फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज वैरी करने की वजह से उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी वेरिएशन हो रहा है। तो आपको क्या दिखाई देगा? और ये इंटेंसिटी वेरिएशन इतना फास्ट है कि 1 सेकेंड में 10^7 जो कि लाइट की फ्रिक्वेंसी है, आप तो वेवलेंथ 4000 से 8000 जानते हैं, उसको C/λ में रखते फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कीजिए, 1 सेकेंड में एक पॉइंट पर 10^7 बार इंटेंसिटी वेरिएशन हो रहा है। इस वजह से आपको क्या दिखाई देगा? आपको मीन दिखाई देगा, द मिनिमम 0, द मैक्सिमम 4I0, देन एवरेज दैट इज 2I0। इसीलिए आपको पूरे रूम में इक्वल इल्यूमिनेंस मिल रहा है।
मतलब कि जब भी लाइट का इंटरफेरेंस आपको देखना हो तो सेम इंटेंसिटी की होनी चाहिए, क्यों? ताकि कंस्ट्रक्टिव पर चल नहीं हो जाए, डिस्ट्रक्टिव पर जीरो, तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगा। दूसरा, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, हैविंग अ कांस्टेंट फेज। आ गया पांच। अगर हम ये पांचों पूरा करा लें तो लाइट वेव्स आपको ऐसे दिखेंगी, एक सोर्स और ये दिखेगा आपको दूसरा सोर्स, क्लियर है? अब आप जब ये वेव पास होंगी तो हमेशा एक कांस्टेंट फेज शो कर रही है इन बिटवीन द टू सुपर इम्पोजिंग लाइट रे। तो एक कांस्टेंट फेज पास करने की वजह से क्या होगा, या तो इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव। तो जब दो वेव्स हम ऐसे बनाते हैं तो जरा देखिए, तो इनिशियल फेज इतना है, थोड़ी देर बाद इसका पहला मैक्सिमा और इसका पहला मैक्सिमा, देख रहे हैं फेज इतना है, बढ़ गया, इसका पहला मिनिमा और इसका पहला मिनिमा, क्यों? यानी फेज इज नॉट कांस्टेंट। अगर दो वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अंतर है तो उनके बीच फेज कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे आप दो लोग एक साथ हैं और एक बंदा कभी तेज हो जा रहा है, कभी धीमा हो जा रहा है, कॉल्ड नॉट हैविंग अ कांस्टेंट फेज। लेकिन एक अगर गैप ही मेंटेन है, कांस्टेंट गैप मेंटेन है, या आपसे आगे या पीछे, तो दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का मतलब होता है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स से जनरेटेड लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं होती है। एक ही माँ के दो बच्चे सेम ब्रिलियंसी लेवल के होंगे, सेम फेयरनेस के होंगे, सेम हेयर स्टाइल के होंगे, सेम आई का कलर, इसकी गारंटी नहीं। इन सेम वे अगर हम दो लाइट बल्ब का इस्तेमाल लाइट जनरेशन में कर रहे हैं तो इनसे जनरेटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ट्रेवलिंग डायरेक्शन एंड कांस्टेंट फेज, इतने पैरामीटर इक्वल होना बराबर, इतना पैरामीटर इक्वल होना एज अ चांस नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ तो डिफर कर ही जाएगा। उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि किसी पॉइंट की इंटेंसिटी फ्लक्चुएट कर जाएगी, अब फ्लक्चुएटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिल कर पाएंगे, या तो वहां डार्क बन जाए या ब्राइट सस्टेन हैंग ऑन हो जाए तो दिखेगी। हाँ, यस, दिस इज तो डेली लाइफ में इंटरफेरेंस पैटर्न का न दिखाई देने का जो मेन काज है या रीजन है वो ये कि टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स से जनरेटेड रेज में कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस होता है। तो जब वो किसी पॉइंट से पास होती है और हम पॉइंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं तो वहां बारी बारी से फेज वेरी करता है एक पॉइंट को, तो इंटरफेरिंग लाइट का फेज वेरिएशन की वजह से उस पॉइंट की इंटेंसिटी वेरी करती है एंड वी आर नॉट सेंसिबल टू चेक द इंटेंसिटी वेरिएशन विद द नेक्स्ट आई। इस वजह से हमें इन ऑर्डिनरी लाइट्स जो डेली लाइफ में है इनका इंटरफेरेंस तो हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, लेकिन इस मिक्सिंग में डार्क और ब्राइट फ्रिंज का बनना हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो अगर ये पांच क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देख सकते हैं। दिस इज डन बाई यंग अंडर द एक्सपेरिमेंट बाई DSC उन्होंने लेबोरेटिकली ये पांचों क्राइटेरिया पूरा कराया और जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको हाइगन ने एक्सप्लेन किया एंड साफ साफ सामने रखी स्क्रीन पर अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। ग्लांस देख लीजिए हाइगन का एक्सप्लेनेशन, इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर कुछ डेरिवेशन है, उन्हीं डेरिवेशन को मिलकर आपको मिलते हैं। ये तो थ्योरी हो गई। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली में कभी भी दो आप लाइट सोर्स मत लीजिए, आप एक सिंगल लाइट सोर्स दे दीजिए और उसको स्प्लिट करके दो लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? उनका कहना था कि पहले तो आप मोनोक्रोमैटिक ले लीजिए, सिंगल लाइट, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रिक्वेंसी, और इसके सामने एक हार्ड कार्डबोर्ड रख दीजिए एट सम डिस्टेंस अपार्ट विथ अ नैरो ओपनिंग पिन होल। इसके सामने एक और हार्ड कार्डबोर्ड रख दीजिए कंटेनिंग टू पिन होल्स एट इक्वल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द मेन लाइन, और यहां रख लीजिए स्क्रीन, और अब देखिए।